आप बताए। जब ये सब कार्य हो रहा था तो दिल्ली में एक गोविंद साहब हुआ करते थे, आज वो हमारे बीच नहीं है, तो वो अक्सर ऐसे बुलाते थे जैसे मैं भोपाल से सीहोर बैरागढ़ चली जाऊँ, तो बहुत दिल्ली आना जाना होता था। उस समय उन्होंने विदुषी का सिलेक्शन किया था रशिया के लिए, तो हम लोग 98 में रशिया गए थे। तो रशिया में इसको बहुत अच्छा पेंटिंग, डांस और सोशल वर्क के लिए सम्मानित किया गया। और जब हमारा कृष्ण मंदिर में रुकना हुआ 10 दिन, 21 दिन का टूर था, तो कृष्ण मंदिर में इसका परिक्रमा करके एक प्रोग्राम हुआ, तो लोग ऐसे बोलते थे वहाँ के, ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग से उतर के धरा पे साक्षात राधा आ गई। तो हमें सुन के बहुत अच्छा लगा। और उसका ना जिस भी हॉल में हम जाते थे सब लोग आई वॉन्ट ब्लू ड्रेस उसको पहनाते थे, तो उसको बहुत पसंद किया जाता था। और उसका हर ऑडिटोरियम में उसका प्रोग्राम होता था, और वहाँ उसने बहुत अच्छे लैंडस्केप भी बनाए थे जो आपको ऊपर गैलरी में शायद हो सकता है देखने को मिले, चर्च वगैरह का। अच्छा। और उसके माध्यम से ही हमने ये कला का नवाचार किया और कैलेंडर प्रकाशित उसी के माध्यम से रेखांकन ललित कला समिति खोली। वो उसमें भागीदारी नहीं करती है, हमारे प्रदेश के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए हम बढ़ावा देती है। जी। तो फिर है ना पापा उसके कहने लगे अब पढ़ा तुम्हारा ड्राइंग डांस सब बहुत हो गया, अब पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दो और कुछ करके बताओ, यदि विदुषी नाम है तो उसको सार्थक करो। तो इसने इन सब कलाओं के साथ में बी किया नेशनल इंटरनेशनल पे, और इसके बाद में बी में टॉप करके कैंपस में सिलेक्शन होके हैदराबाद रही 6 महीने, और अब पुणे में है वो, पुणे में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। कौन सी कंपनी है? सनकैट कंपनी में है, और अब जल्दी ही अभी भी कला का साथ है उसका, बहुत अच्छी हाथ है उसका, बहुत अच्छा काम करती है। और इसके अलावा उसकी एक बालिका है और एक बालक है, 6 साल की बालिका है और 4 साल का बालक है, और अभी वो 18 तारीख को ऑस्ट्रेलिया निकल जाएगी क्योंकि दामाद जी ऑस्ट्रेलिया चले गए, ये तो इंडिया में रह कर कुछ करना चाहती थी, पर अब वो चले गए तो इसको जाना पड़ेगा। और 2 बालक हैं, तो बालक भी मेरे ही पास रहते हैं, और बहू भी यही हैं, 2 पोतियाँ हैं, मेरे से बड़ी हो गई इतनी, वो पोती एक छोटी है जबकि पढ़ती वो 8th में गई है, पर अच्छा हाइट निकल गई इसकी। और जो छोटा बेटा है उसके 2 पोते हैं हमारे छोटे छोटे।